गुड मॉर्निंग एवरीवन किड्स, ईवीएस में जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है ना, बॉडी टूर के बारे में, जिसमें बॉडी पार्ट्स भी हैं और सेंस ऑर्गन्स के बारे में भी बताया गया है। इसमें से हम लोग डिफिकल्ट वर्ड्स कर चुके हैं और नेम 2 भी कर चुके हैं, और जिसमें मैंने ऑनलाइन में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेंस ऑर्गन्स कितने हैं, है ना, इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। इसीलिए ये आपको मैं वीडियो में भी बता रही हूँ। जैसे बेटा बॉडी पार्ट्स होते हैं जैसे, तो उसमें आप लोग इनमें से नेम लिख सकते हो, लेकिन जब सेंस ऑर्गन्स पूछा जाएगा तो इन 5 सेंस ऑर्गन्स के ही नेम आएंगे। इसमें से आपको 2 पूछे जा सकते हैं, 3, 4, 5 सारे भी, लेकिन सेंस ऑर्गन्स को आपको ध्यान में रखना है। सेंस ऑर्गन्स कितने हैं हमारे? 5 याद रखना है, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो जैसे कौन कौन से हैं? NOSE नोज, EARS ईयर्स, EYES आईज, SKIN स्किन मींस चमड़ी, TONGUE टंग। टंग मीन्स क्या होता है? जी। अब बेटा इनका क्या फंक्शन है, इनका क्या रोल है ना, इनसे इनसे हम क्या काम लेते हैं, या हमें इनसे क्या क्या चीज का ज्ञान होता है, सेंस होता है, ठीक है। जैसे बेटा नोज है, नोज से हम लोग क्या करते हैं, सूंघते हैं। जैसे कोई स्मेल आती है तो हमें कहाँ से पता चलती है? नाक से, कैसी स्मेल है, अच्छी है, गंदी है, तो हम किससे सूंघते हैं? नाक से। और EARS ईयर्स, अब ईयर्स मीन्स कान। अब दोनों कान से आप क्या करते हो? हम लोग ईयर से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुनते हैं। ईयर, ईयर मीन्स सुनना। तो कान से बेटा हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं। क्या क्या सुनते हो आपको पता ना, हर तरह की आवाज, चाहे वो गाड़ी का हॉर्न होगा या म्यूजिक होगा, आप गाना सुनते हो, है ना, फोन में कुछ देखते हो तो आवाज़ भी सुनते हैं, टीवी में भी देखते हैं तो आवाज़ भी सुनते हैं, लेकिन हम सुनते किससे हैं? कान से, ईयर्स से, ठीक है। तो जैसे नेक्स्ट है EYES आईज, दोनों आईज से हम क्या करते हैं, ये सबको पता है, देखते हैं, है ना, आईज से हम क्या करते हैं, देखते हैं। और नेक्स्ट है स्किन, SKIN स्किन, स्किन से हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं। जैसे अभी गर्मी का दिन है, हमें गर्मी लगती है तो भी हमें स्किन में फील होती है, ठंड लगती है तो भी हमें फील होती है, अगर आपके चोट लगती है या आपको कोई चोटी काटता है तो हम फील किससे करते हैं, स्किन से, महसूस करना, फील मीन्स महसूस करना। नेक्स्ट है टंग, TONGUE टंग, अब जीभ से क्या करते हैं, टंग से आप क्या करते हो, टेस्ट लेते हैं, हर चीज का स्वाद हमें पता चलता है। जैसे चीनी खाते हैं तो उसका टेस्ट कैसा होता है ना, तो उसको अगर आप हैंड में रखोगे तो उसका टेस्ट तो नहीं पता चलेगा, है ना। अगर हम लोग नोज से स्मेल करेंगे तो उसका टेस्ट नहीं पता चलेगा, है ना, तो उसका टेस्ट कैसे पता चलेगा, टंग से। जब आप जीभ पे रखोगे, मुंह में रखोगे उसको, तब आपको पता चलेगा कि वो मीठी है, अगर खट्टी चीज खाते हो तो भी टंग से पता चलता है ना बेटा। तो ऐसे ही इन 5 सेंस ऑर्गन्स के रोल है, जो अलग अलग काम है इनके, है ना, इनसे हमें अलग अलग सेंस होती है, सूंघने की, सुनने की, देखने की, फील करने की, महसूस करने की, और टेस्ट की, स्वाद की, ठीक है बेटा। इसलिए इस चीज को हमेशा याद रखना है, सेंस ऑर्गन्स हमारे 5 हैं, ओके। तो नेक्स्ट बेटा क्या है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको क्या करना है इसमें, ब्लैंक्स को फिल करना है। कैसे करेंगे, ये इसी से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे बेटा वी स्मेल विद आर, हम लोग स्मेल किससे करते हैं, अभी हमने समझा, वी स्मेल विद आर नोज। नोज की स्पेलिंग भी आपके सामने है, NOSE,
ठीक है। नेक्स्ट है वी हियर विदा, हम लोग सुनते किससे हैं? हियर, ईयर से, ई ए आर, हम क्या लिखें? ईयर्स, क्योंकि ईयर्स कितने हैं हमारे? टू। वी सी विदा, हम देखते किससे हैं? आइज से, ई वाई, आई नहीं लिखना है, आईज लिखना है क्योंकि टू है। नंबर फोर में वी फील विदा, हम लोग फील किससे करते हैं, महसूस किससे करते हैं? अभी हमने सीखा स्किन से, एस के आई एन, स्किन। नंबर फिफ्थ में वी टेस्ट विदा, टेस्ट किससे करते हैं? टंग से, टी ओ एन जी यू ई, टंग से। ठीक है बेटा। तो बेटा इसमें आपको नोज, ईयर्स, आईज, स्किन, टंग के स्पेलिंग बहुत अच्छे से लर्न कर लेने हैं, ठीक है? क्योंकि इसी में थोड़ा सा आप गड़बड़ा सकते हो, बाकी तो जैसे इसमें नोज, आईज, ईयर्स, ये हम बॉडी पार्ट्स में भी करते हैं, बहुत इजी भी है। ठीक है बेटा, ये भी इजी है ना? तो ये इसको दो चार बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका कहीं गलती नहीं हो सकता है। ओके, तो आप इसे ईबीएस कॉपी में, किसमें? ईबीएस कॉपी में, ईबीएस कॉपी में इसको राइट कर लेना है। चैप्टर का नेम डाल, आपके पास पहले से लिखा होगा तो उसी के साथ आपको जैसे नेम टू और डिफिकल्ट वर्ड्स जहाँ किए हैं उसी के साथ इसको भी राइट कर लेना है और लर्न भी कर लेना है। बहुत इजी है, आपको सिर्फ सेंस ऑर्गन्स के नेम याद रखने हैं। ओके, दैट इज ऑल।